लोगों में सनसनी बने सोनाली फोगाट मर्डर केस में अब एक नया अपडेट सामने आया है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मर्डर केस में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है। गोवा के करलिस बार में संदिग्ध हालत में सोनाली की मौत हुई थी। वही सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर जबरन ड्रग्स देकर मर्डर करने का इल्जाम लगा था। सोनाली के कत्ल के इल्जाम में दोनों को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। अब सीबीआई ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। सीबीआई के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये चार्जशीट गोवा के मापुसा कोर्ट में जीएमएफसी यानी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई। ब्यूरो ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए सांगवान और सुखविंदर सिंह से कोलवाले जेल में पूछताछ की। सीबीआई ने गोवा पुलिस के दस्तावेजों की भी जांच की है जो 500 से ज्यादा पेजों का है। इसमें गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। सीबीआई ने करली के क्राइम सीन को भी फिर से रिक्रिएट किया जहां फोगाट को कथित तौर पर ड्रग्स दिया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। चार्जशीट की कॉपी दोनों आरोपियों को भी दी गई है। सोनाली मर्डर केस अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई के अधिकारी 4 बार हिसार आ चुके हैं। सीबीआई की टीम ने हिसार में जांच पड़ताल के अलावा गुरुग्राम में सोनाली के उस फ्लैट की तलाशी भी ली थी जहां वो गोवा जाने से पहले आखिरी बार सुधीर सांगवान के साथ ठहरी थी। सोनाली फोगाट 23 अगस्त की सुबह गोवा के एक रिजॉर्ट में अपने होटल में मृत मिली थी। उस समय गोवा में उनके साथ उनका पीए सुधीर सांगवान और उसका साथी सुखविंदर ही थे। सोनाली की मौत की खबर मिलने के बाद उनके परिवार ने आरोप लगाया कि सुधीर और सुखविंदर ने सोची समझी प्लानिंग के तहत उनका मर्डर किया है। सोनाली का इसी साल 23 अगस्त को गोवा में मर्डर हो गया था। वारदात के तीसरे दिन 25 अगस्त को गोवा पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों इस समय गोवा की कोलवाले जेल में बंद हैं।